मैं हूं अनुजा। जया बच्चन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। उस दौरान एक उत्साही समर्थक कार के सामने सेल्फी लेने के लिए पहुंच गया। ये देख जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया और उस कार्यकर्ताओं को धक्का मार दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई फिल्मी सितारों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी को मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिल गया है तो ममता बनर्जी को भी कई स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी है। इसी कड़ी में कुछ दिन से सपा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए वोट मांग रही हैं। वे कई प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो निकाल रही हैं। जया बच्चन ने खो दिया है अपना आपा। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा सांसद जया बच्चन हावड़ा में तृणमूल उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंची थी। यहां उन्होंने शिवपुर और दक्षिण हावड़ा की तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करने के बाद उत्तर हावड़ा के तृणमूल उम्मीदवार गौतम चौधरी के लिए रोड शो किया। उस समय उम्मीदवार गौतम चौधरी के साथ वे खुली हुई वाली कार में प्रचार करती देखी गई। वहां पर जया बच्चन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। उस दौरान एक उत्साही समर्थक कार के सामने सेल्फी लेने के लिए पहुंच गया। ये देख जया बच्चन ने अपना आपा खो दिया और उस कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। ये वीडियो कैमरे में कैद हुआ और इसे वायरल कर दिया गया है। वीडियो में उस उत्साही कार्यकर्ता की शक्ल तो सामने नहीं आई है, लेकिन इसे चुनावी मौसम में एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाया जा सकता है। जया बच्चन का गुस्सा कोई नई बात नहीं है, उन्हें इससे पहले भी कई बार गर्म होते देखा गया है। ऐसे में उनका यूं किसी को धक्का मारना बड़ा मुद्दा बन सकता है और TMC की भी मुसीबतें बढ़ सकती है। जया के रोड शो के मायने मालूम हो कि महिला वोटरों को साधने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से जया बच्चन का चेहरा सामने किया गया है। वो कहने को एक अभिनेत्री है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अपनी सक्रियता की वजह से हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। बंगाल में भी उनकी इसी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 5 अप्रैल से लगातार जया बच्चन बंगाल के अलग अलग इलाकों में TMC उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं और ममता को फिर CM बनाने की अपील कर रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।